नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास वन प्लस 11R। दोस्तों आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कि मैंने पहले भी वन प्लस 11R की एक वीडियो अनबॉक्सिंग की थी। एक फ़ोन लिया था मैंने पहले भी दोस्तों, वो मैंने न्यू परचेस किया था। और ये दोस्तों मैंने कुछ का उस प्राइस से काफ़ी कम में लिया है। और ये है मेरे पास दोस्तों ब्लैक कलर का, वो पहले मेरे पास सिल्वर कलर था, और ये है मेरे पास इसका ब्लैक कलर। ये देखिए वन प्लस 11R 5G सोनिक ब्लैक 128GB वाला वेरिएंट, जिसमें आपको 8GB की रैम दी गई है। दोस्तों मैं आपको क्लियर मैसेज कर दूं कि ये मैंने जो फ़ोन लिया है, ये मैंने OLX से परचेस किया है, इसलिए मुझे दोस्तों काफ़ी अच्छी डील मिली है और काफ़ी न्यू प्राइस के मुताबिक मुझे सस्ता भी मिल चुका है ये। तो दोस्तों ओपन करते हैं बॉक्स को। ओपन तो पहले से ही है, पर करते हैं एक अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, जो पेपर वगैरह होते हैं वो है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले से ही अनबॉक्स किया हुआ है। तो इसमें दोस्तों मिलते हैं हमें ये पेपर वगैरह, और ये इसका बिल जो दोस्तों अमेजन का है, जो कुछ पेपर वगैरह है। देखिए रेड केबल कलर पार्ट है, स्टिकर वगैरह दोस्तों वो सब है जो फ़ोन में जो हमें इस बॉक्स में मिलता है, वो सारे पेपर इसमें हमें दिए गए हैं। जिस बंदे ने परचेस किया था अमेजन से, उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर नहीं किया। अब दोस्तों और बात करते हैं, ये हमारा डिवाइस, इसको भी हम देखेंगे। और दोस्तों इसके अंदर 100W का चार्जर, और ये इसके दोस्तों टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल। तो रखते हैं हम, चलते हैं मेन फोन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये फ़ोन पहले से ही ऑन था, मैंने सेकंड हैंड लिया था OLX से। तो दोस्तों देखिए एकदम न्यू कंडीशन है, कोई भी एक हल्का सा भी इस पर स्क्रैच नहीं है, माइनर भी आपको स्क्रैच नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको वीडियो में शायद इतना ना देख रहा हो, बट दो जितना मैं देख पा रहा हूँ मुझे इस पर एक भी कोई भी कहीं भी डेंट या स्क्रैच नहीं दिख रहा। तो इससे दोस्तों ये फ़ोन मैंने आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये मैंने सिर्फ 30,800 रुपये का लिया है, जिसके साथ मुझे दो बैक कवर भी उस बंदे ने दिए थे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और सिर्फ 4 महीने पुराना है, एकदम न्यू कंडीशन है। और इसका दोस्तों जो चार्जर है, वो उस बंदे ने यूज नहीं किया, उसने उसके पास ऑलरेडी पहले से ही एक दो फ़ोन और थे वन प्लस के, उस उनके चार्जर से दोस्तों को चार्ज करता था वो, तो जो चार्जर एकदम न्यू का न्यू लगा हुआ है। तो जिसको दोस्तों इसके अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस दोस्तों AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों साइड से कर्व होती है, कर्व डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी लगती है हमें, जैसा कि आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए जब आप इस तरीके से करते हो इस साइड से, ये देखिए तो दोस्तों ये कर्वो में काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। इसमें आपको दोस्तों जो कैमरा दिया गया है काफ़ी अच्छा दिया गया है, 16MP का सेल्फी कैमरा। और बैक में दोस्तों हमें काफ़ी अच्छा ट्रबल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। तो इसे कैमरा क्वालिटी दोस्तों आपको पता ही है काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, ग्लास दिया गया है पीछे, पर दोस्तों इसमें थोड़ी सी कमी दी गई है वो है साइड फ्रेम की, ये क्योंकि दोस्तों जो फ्रेम दिया गया है साइड में, ये दोस्तों हमें प्लास्टिक का दिया गया है, बट कोई ना, आप इस पर लेमिनेशन करा सकते हो जिससे कोई स्क्रैच वगैरह ना लगे। तो दोस्तों 5000mAh की बैटरी है, जो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप दे देगी, अगर आप ज़्यादा यूज नहीं करते हो तो। और चार्जिंग की बात करूँ दोस्तों तो आधे घंटे में जो फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है 0 से 100% तक, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी तो आपको पता ही होगा, बट मैंने ये परचेस किया तो सोचा एक वीडियो इसकी बनाकर डाल दूँ, इसलिए दोस्तों मैंने इसकी वीडियो बनाई। दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको इस फ़ोन का सिल्वर कलर ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर ब्लैक कलर, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फ़ोन मैंने यूज़ किए हुए हैं। इससे पहले भी मेरे पास सिल्वर कलर था, अभी मैंने ब्लैक लिया है, क्योंकि सिल्वर मैं ऑलरेडी पहले ही यूज कर चुका था, तो सोचा इस बार ब्लैक लेकर देखूँ। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों इसके जो भी और भी फीचर वगैरह हैं
उनके ऊपर मैंने आपका टाइम इसलिए ख़राब नहीं किया क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं सही वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों मेरी ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए डेली ना सही एक दिन छोड़ के एक वीडियो डेली डालूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।